सारी तैयारी हो चुकी है और मैंने आज ये रेड वाला बहुत दिनों बाद सूट पहना है। ये आ गया रक्षाबंधन, सावन की जान घेवर। आप पहले हाय कर दीजिए। हाय, हैप्पी रक्षाबंधन। हाँ लगाओ भैया, भैया जंप भी करे जा रहा है भैया। बोलो। अरे वाह, ये देखिए भगवान जी की राखी बन गई है और यहाँ पर इसकी सोना पूजन भी मैंने कर दिया है। सब्जी और इसके अंदर कबाब फ्राई कर लिए हमने, खीर। वेलकम बैक टू माई चैनल, गुड मॉर्निंग। आज है रक्षाबंधन और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, पहले तो जैसा होता है कि इंडिया में हम लोग का रक्षाबंधन भाई बहनों से मिलना होता है, फेस्टिवल वाला फील होता है, एकदम अच्छे पकवान बनते हैं, बाहर जाते हैं घूमने के लिए, गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, इसी तरीके का रहता है। आप लोग का कैसा रक्षाबंधन गया प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी हम लोगों ने भी कुछ प्लानिंग की है कि आज रक्षाबंधन अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए, क्योंकि यहाँ पर ना मतलब जैसे फ्रेंड्स हैं वही हमारी फैमिली है, तो एक तरीके से लगता है कि चलो थोड़ा गेट टुगेदर हो जाएगा तो फेस्टिवल वाला जो दिन है वो एकदम बेकार नहीं जाएगा। ऐसा लगेगा कि यार हम अपने देश में नहीं है, अपनी फैमिली से दूर है, तो बहुत अलग सा एक अलग एक्सपीरियंस होता है। बट लास्ट ईयर भी मैंने इस चीज़ को बिल्कुल मिस नहीं किया था, क्योंकि हम लोगों ने एक फ्रेंड के यहाँ पर गए थे, वहाँ इसका छोटा बच्चा है तो उसको राखी बांधी थी स्वदी ने और वहाँ पे पकवान वगैरह बनाए थे, वही पूरी सब्जी और मीठे मीठे में सब ऐसे डिनर करके फिर हम वापस आए थे। उस दिन भी छुट्टी नहीं थी और आज भी यहाँ छुट्टी नहीं है, क्योंकि अब यहाँ वो वाला फेस्टिवल तो है नहीं कि राखी है तो भाई ऑफिस ऑफ है या फिर बैंक्स वगैरह या स्कूल की हॉलीडेज है, ऐसा कुछ नहीं है। मयंक अपना ऑफिस कर रहे हैं, आज मंडे सुबह से इनका काम चालू हो गया था। तो ऑफिस खत्म होने के बाद प्लान किया है कि मैंने अपने फ्रेंड्स लोग को घर पे बुलाया है और आप लोग को बताती हूँ कनाडा में हम लोग रक्षाबंधन किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये देखो, ये जो मेहंदी है रात में ऐसे कीप रखी हुई थी, वीडियो कॉल पे बात हो रही थी मेरी छोटी बहन से, तो उसने उसको दिखाया स्वदी को कि मैंने मेहंदी लगाई, तो अपने आप फ्रिज में से पता था कि कहाँ पे कौन रखा है, लेके आई है और फिर मुझे बोल रही लगाओ। तो मैंने स्वदी को भी रात में ऐसी थोड़ा सा डिज़ाइन बना लिया, मैंने भी अपने हाथ पे लगा लिया मेहंदी। लेकिन आज सुबह से उठ के इतना ज़्यादा काम है कि मैं आपको क्या बताऊँ, पूरा घर क्लीन में लगा हुआ था। वैसे तो ऑलमोस्ट डीप क्लीनिंग तो हम लोगों ने सैटरडे संडे कर लिया था, बट स्वदी है टॉयज फैलाना उसका काम है, वो सब काम करते करते उसने पूरा घर समेटना था मुझे, वो फिर से फैला दिया उसने। तो मैंने बेडशीट चेंज कर दी है और किचन में अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा कुछ काम है वो करने के लिए, फिर उसके बाद नहाएंगे, रेडी होंगे और ठाकुर जी को राखी बांधूंगी। और वैसे फ्रेंड्स लोग तो शाम को आएंगे तो इतना कुछ हड़बड़ वाला काम नहीं है, सिर्फ वही है कि ठाकुर जी को राखी टाइम पर बन जाए। वैसे जो भद्रा वद्रा बोलते हैं, जैसे इंडिया में बता रहे थे कि थोड़ा टाइमिंग के हिसाब से है, तो भद्रा वगैरह लग रही थी तो 1:30-2 बजे के बाद ही राखी बांधी गई, तो हमारा तो वो टाइम समझ लो सोने में चला गया और दिन है तो राखी पूरे दिन तक है, तो शाम में ही बांधेंगे आराम से। और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ ये घेवर के लिए रबड़ी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उन लोगों से बात की मिठाई वाले पे, जो मैंने स्वीट कॉर्नर था वहाँ पर, तो उन लोगों ने बोला रबड़ी तो नहीं मिल पाएगी आपको, नॉर्मल घेवर मिलेगा। तो मैंने सोचा चलो घर में ही रबड़ी बना देती हूँ। दूध को खदका खदका के इसमें केसर डाला, थोड़ा इलायची डाला और चीनी मिला दी है और ये रबड़ी ऑलमोस्ट अभी तैयार होने वाली है, मतलब रेडी ही है, क्योंकि रखे रखे थोड़ी देर बाद अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। तो मेरा एक काम तो अभी पूरा डन हो चुका है, तो अभी घर पूरा क्लीन करके मतलब झाड़ू और पोछा हो चुका है और बस मैं नहा के पूजा करने वाली हूँ और थोड़े कपड़े वगैरह निकाले हैं, थोड़ा सोचा इंडियन कुछ पहन लिया जाए, तो लेट करते करते 12 बज चुका है और साथ के साथ बीच बीच में नाश्ता भी चल रहा था, क्योंकि स्वदी को भूख लग रही थी तो उसे दूध दिया है और चीला बनाया था मैंने आज। तो अभी दोपहर का मुझे समझ नहीं आ रहा है, रात का खाना बनने वाला है अच्छा वाला, पूड़ी बनाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी, खीर बनेगी, सूखी सब्जी रहेगी और थोड़ा स्टार्टर में मैंने एक वो आलू टिक्की का जो एक मतलब छोटे छोटे कबाब टाइप के थे वो मैंने सोचा है कि वो रखे हैं, तो आएंगे सब चाय के साथ में फ्राई कर देंगे, शाम के वक्त का टाइम तो रहेगा ही। तो मेरे दोनों दोस्त आने वाले हैं, एक तो स्वदी की जो डे केयर वाली फ्रेंड है वो भी आने वाली है और मयंक के एक ऑफिस में फ्रेंड है वो भी आने वाले हैं, तो सब ऑफिस निपटाते निपटाते 5-6 बज जाएगा, शाम में आएंगे, तो तब तक मुझे घर भी पूरा सेट करके रेडी करना है, थाली तैयार करके रखनी है और खाना रेडी करके रखना है। अभी ठाकुर जी को यहाँ पर रेडी कर दिया है, इनका मुकुट है ना जो इधर से उधर बहुत ज्यादा डोल रहा है, काफी टिकाए रखो थोड़ी सी देर। और यहाँ पर ये भोग मतलब पूजा वाली थाली तैयार कर दी है और ये पूजा वाली जो ठाकुर जी की बनती हैं और जो पूजा में यूज़ होती हैं वाली राखियाँ हैं और ये सब राखियाँ जो बनेगी वो है टीका और
चावल और साथ के साथ ये गई रबड़ी जो बनाई है। मैंने कहा अभी यही बना है तो ठाकुर जी का भोग इसी से लगा देते हैं। और हमारे यहाँ पे ये पूजन होता है सोना पूजन, तो ये यही है जो भगवान के मतलब जो भगवान वाली राखियाँ हैं वो सब यहीं पे लगेंगी। तो इसी तरीके के ये वाले जो ये वाले प्रिंट थे ना, ये मैं ले आई थी इंडिया से, तो यहाँ पे काम आ रहा है। तो अभी पहले ठाकुर जी को राखी बांध देते हैं, दिया जला देते हैं और उसके बाद में सब लोगों को फिर राखी बांधी जाएगी। राखी बन गई है और यहाँ पर इसकी सोना पूजन भी मैंने कर दिया है और ये गई थाली। भगवान जी ऐसी हमारी रक्षा करते रहिए, भगवान जय जय श्री राधे। आपने देखा पूजा तो हो गई है मेरी और ठाकुर जी को मैंने राखी बांध दी है और स्वादी को भी नहला के आराम से करूंगी। मैंने कहा आराम से बांधेगी वो, अभी बिल्कुल मगन है। मैंने कहा पहले खाना वाने का निपटा देते हैं। और मैं गए हुए थे घेवर लाने के लिए, घेवर आ चुका है घर में, काजू कतली भी आ चुकी है और मैंने रबड़ी बना के तैयार कर दिया। उसे फ्रिज में रखूंगी, थोड़ा सा सेट हो जाएगी और उसके बाद में उस पर रबड़ी लगा के और मस्त एकदम मावे वाली जो आती है ना घेवर, वो वाला सर्व करेंगे भोग के तौर पे जब सब लोग के राखी बांधी जाएगी। मीठे में अच्छा, बहुत दिन बाद मैं घेवर खाऊंगी। तो ये काम हो गया और साथ के साथ में मयंक है ना गए थे तो वहाँ से थाली भी ऑर्डर करके ले आए थे, क्योंकि यार उन्हें पता है कि आज काम थोड़ा थोड़ा डिले चल रहा है, तो इससे अच्छा है रात में मैं सबका खाना वाना प्रिपेयर करूंगी, तो बेटर है कि अभी जो लंच है बाहर से आ जाए। तो मयंक थाली ले आए थे स्मृतिराम की। जो मेरे कपड़े हैं ना वो ऐसे हो गए हैं कि टाइट आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं। और अभी मैंने यही सूट निकाला था, इसको पहना है। मैं हालांकि शाम के वक्त चेंज कर लूंगी, कुछ मैंने प्लान किया है कि वही मिल जाए मुझे, मतलब मैं जो पहना है वो फिट हो जाए अच्छे से, जो सोच रही हूँ मैं। इसको खोल के दिखाते हैं कौन सी थाली ली है। बाकी ये घेवर लिया है, नीचे घेवर है और काजू कतली है और उसके साथ साथ ये कुछ स्नैक्स का भी लिया है और माइक ने छाछ लिया है। तो बहुत सारा कुछ पिटारा लेके आए, मैं खोल के देखती हूँ क्या लेकर आया। बट ये जो थाली है इसका वेट हम लोग कर रहे थे घर जैसा खाना, देखते हैं। यह है प्योर वेज थाली, देखो इसमें सब्जी है दो तरीके की और ये शायद दाल है या फिर कड़ी है जो भी है। ये वाली लिलवा कचौड़ी है, ये है, ये वाले हैं राइस, ग्रीन राइस, और इसमें है चार रोटियां, बूढ़ी नहीं रोटी, और ये साथ के साथ हलवा। तो ये मुझे देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, देखते हैं कैसा है टेस्ट इसका। और साथ में देखते हैं क्या क्या लेकर आए हैं। ये क्या है, लेट मी चेक। ओ अच्छा, मैंने इनको बोला था कि कचौड़ी लेते आना, ये देखो कितनी अच्छी कचौड़ियाँ ये आ गई हैं। साथ के साथ ये गया बिल और साथ के साथ इसमें मुझे लगता है मयंक लेके आए हैं मिठाई काजू कतली। वाह यार, एक तो मीठे को देख के ना ऐसा लगता है जैसे कि हम इंडिया में ही हैं सच्ची। और यहाँ इस दुकान का मीठा इतना ज़बरदस्त है कि मैं क्या ही बताऊँ। और इसके साथ साथ ये आ चुका है मेरा, जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी घेवर, तो इसको भी देखते हैं कैसा है। बाकी भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। ये देखो घेवर एकदम रेडी है, बस इसके ऊपर मैं मावा, ये गए ड्राई फ्रूट तो कटे कटाए दिए इतने अच्छे से, और इसमें बस मैं रबड़ी लगाऊंगी और उसके बाद मैं इसको गार्निश कर दूंगी इससे। तो आह क्या ही बताऊँ, मुझे मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के। स्वदी पहना दो डैडी को राखी, अभी ऐसी बांध लिए हैं, स्वदी अच्छे से नहाएगी करेगी। हाँ स्वदी टाइट प्लीज, बांध दो, नॉट बांध दो, नॉट बांध दो, इसके अंदर से निकालो यहाँ से। अच्छा ठीक है, आप कर लो जैसे करना है। गुड जॉब, हैप्पी राखी। सॉरी बोलो हैप्पी राखी, हैप्पी राखी। देखो इसमें मैंने रबड़ी लगा दी है, अब इसको थोड़ी देर सेट करने के लिए रखूँ। एकदम ठंडी ठंडी रबड़ी हो गई है और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, ये सेट कर दिया। और ये वाली रबड़ी बनाई थी बहुत अच्छी बनी है, इसको निकाल के फिर अभी खीर चुरानी है मुझे। और ये पूरा का पूरा वही लग रहा है ना घेवर। आपको तैयारी दिखा देती हूँ, ये देखो ये बन चुकी है आलू टमाटर वाली सब्जी और इसके अंदर कबाब फ्राई कर लिए हमने, और इसमें बन चुकी है खीर, ये गई। तो अभी तीन चीज़ें रेडी हो गई हैं ये वाली, और अभी इसमें बनाने जा रही हूँ गोभी आलू की सब्जी और फिर बाद में बनेगी पूड़ी। तो ये सब सेटअप मैंने एक साइड में जो जो बनता जा रहा है साइड करती जा रही हूँ।
अभी बैक टू बैक सारा काम करते करते ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। सब्जी बस बन रही है गोभी आलू की, जो इसमें मैंने चढ़ा रखी है। बाकी आपको दिखाई था वो, बाकी सब सामान रेडी हो गया। आटा भी मैंने मल के फ्रिज में रख दिया है, बाहर रखने से ढीला हो जाता है, और फ्रिज में रखा रहेगा तो थोड़ा पूड़ियों वाला टाइट आटा रहेगा। अभी बस जाना है और तैयार होना है अच्छे से, और सभी को भी रेडी करना है। देखो सब्जी, देखो गोभी आलू की सब्जी ये बन रही है अभी, इसमें लगेगा 10-15 मिनट। तब तक हम जाते हैं और फिर रेडी होते हैं, थोड़ा तैयार हो जाए अच्छे से, नहीं तो हमेशा की तरह ऐसे झल्ले जैसे बाल बने रहते हैं। और इनको भी तैयार करना है, नहला के पूजा वूजा करा दी, ठाकुर जी के दर्शन करा के उनको राखी भी बंधवा दी थी, फिर ये सो गई, फिर हमने भी थोड़ा 1-1.5 घंटा इंतजार करके मतलब आराम कर लिया इसके सहारे, फिर बैक टू बैक जो काम किया है नॉन स्टॉप। मैं ब्लॉगिंग भी मैं ऐसे बनाते हुए नहीं दिया मैंने, क्योंकि लेट हो जाएगा, 2-2.5 घंटे के अंदर पूरा खाना रेडी हो गया। अब बस चेंज कर रही हूँ, रेडी होती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। अभी हम हो गए हैं रेडी, ये है मेरा आज का रक्षाबंधन का लुक। एक्चुअली ये वाले सारे जो नेकलेसेस है ना, ये मैं अपनी भाई की शादी से कैरी करके लेकर आई हूँ, मतलब इंडिया जब गई थी वहाँ से कैरी करके लेकर आई हूँ। और उसको अभी गाना बंद कर दिया है, तो उसको बोला मम्मा कैन यू प्लीज प्ले, डैडी कैन यू प्लीज प्ले। सारी तैयारी हो चुकी है और मैंने आज ये रेड वाला बहुत दिनों बाद सूट पहना है, जो कि जैसे तरीके से अट गया है, क्योंकि साइज तो सारे ऊपर नीचे हो जा रहे थे। तो अभी फ्रेंड्स लोग आने वाले हैं, मैं आपको पूजा की थाली दिखाती हूँ, तैयार कर ली है, घेवर भी एकदम रबड़ी लगा के तैयार कर दिया है मैंने, और खाना तो रेडी है ही, सिर्फ गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनने वाली है। और स्वदी को भी दिखाती हूँ, आप पहले हाय कर दीजिए। हाय, हैप्पी रक्षाबंधन। लाइट जल रही है, जल रही आ रही है, अब आया। अच्छा मेरी बेटी को भी करना है, आओ आओ। हैप्पी बोलो। अरे वाह, हैप्पी राखी, हैप्पी राखी। इसने ये फ्रॉक पहनी है, दिखाओ सदी कैसी लग रही है आपकी फ्रॉक, घूम के दिखाओ, ऐसे घूम के दिखाओ सदी, दिखाओ घूम के दिखाओ। 1, 2, 3 हैप्पी रक्षाबंधन। की हमारी थाली तैयार है, दिया रेडी है, काजू कतली से मुंह मीठा किया जाएगा, घेवर तो है ही, घेवर को भी दिखाती हूँ मैं, रोली चावल है और राखी रखी हुई है। ये आ गया रक्षाबंधन सावन की जान घेवर, जो कि यहाँ पे मिल गया है, और रबड़ी लगा के और अच्छा लग रहा है, सच में ऐसा लग रहा है जैसे कि देसी घी से अब की दुकान से अब भी आया है। इंतजार करने की घड़ी खत्म हो चुकी है, 7:30 बजे हमारे दोस्त लोग आ चुके हैं। एक तो मंडे पड़ गया, ऊपर से सबका काम कुछ ना कुछ अटक गया, जिसकी वजह से आज 7:30 हो गया। सच्ची में कुछ कर ही नहीं सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए हम तो इंतजार ही कर रहे थे। और 1 घंटे से सब आराम से तैयार हुए, सदी को तैयार किया, मयंक और मैं सब रेडी हुए हैं आराम से, और अभी बस आके बनेंगे। आप लोग बने रहिएगा, ब्लॉग को एंड तक एंजॉय कीजिएगा, सबको ही आ जाएगा। भैया जंप भी करे जा रहा है भैया, हटा दिया, हटा दिया, ले 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 ले, धीरे धीरे लगाती हूं रोज, अच्छा लगा, अपने हाथ से कोई लगा, अपने हाथ से लगा दो, हां नहीं होगा, दीदी नहीं सुनेंगे, अच्छा अच्छा वो नहीं लगा, लगा लिया लगा 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 कि नहीं, हल्का 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 इसको खोलो, इसको खोलो, बन रही है अभी, चार लोग जबरदस्ती राखी बांधो, जानिए तो खुद ही बांधे, देखो डायरेक्ट आराम से बांध, गाड़ी में भगवान वाली रखी है, नहीं नहीं है मेरे पास, हम लोग लेके इंडिया से, मेरे पास इंडिया से मैं पूरा पैकेट ले आई थी, मेरी माता श्री ने पूरा पैक करके पिछली लास्ट ईयर में अब दो थाली देना, इनका मुंह मीठे,
और ये चॉकलेट की देखो ये देख ले देख ले चलो खेल ले बेटू पहली बार देख रहा हूँ मुझे कुछ चाहिए कुछ चाहिए उसमें से लेने की कोशिश कर रहा है कुछ डायपर में आराम से धीरे धीरे चलो बैठो मैं फोटो ले लेता हूँ पास बैठिए इतना प्रे करो कि एक दिन मैं ऐसी गड्डी दूध करने लगा अरे इसकी क्या जरूरत थी भैया इसकी जरूरत नहीं थी इधर देखिए इधर देखिए फोटो राखी सब आप लोगों ने देखा राखी बन चुकी है खाना भी सब हो गया था सब लोग गए हैं अभी बज रहा है 10 Why? Turn on the light. Okay. I was thinking that you are saying that turn off the light. तो अभी हम लोग का सारा काम हो चुका है बहुत अच्छा प्रसाद बना था जैसा कि आप लोग को पता ही है सब्जी गोभी आलू की सब्जी आलू टमाटर की सब्जी गोभी आलू की सब्जी और मैंने बनाई थी सेवई और पूरी थी और साथ में मैंने कबाब तल लिए थे तो फिर वो वाले जो वेजी कबाब थे वो भी अच्छे लगे थे तो अभी तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही है तो इसीलिए मैं आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ मैं मिलूंगी कल नई वीडियो के साथ टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्वदीज वेल थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बाय टेक केयर